प्राइवेट पीछे जाओ ना थोड़ा सर। हाँ बस 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 वेट ना वेट पर रुको ना अभी आएगा 12 को भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो मेरे को 5 मिनट में। हाँ अभी आ जाओ भाई इधर से हो भाई देखो पीछे पोडियम रखा है संभाल ला भाई आप लोग बुला रहे आ जाओ जान दो ये भाई तुम कैमरा तेरा आगे पहुंच जा रहा है यार। अरे हमको जाने तो दो यार। अरे अरे क्या अतरंगी चाले करते हो यार। अबे क्यों ऐसा दीपिका मैम मुबारक हो। अभिषेक अरे बाहर आएंगे वापस कैमरा नीचे ले। थैंक यू थैंक यू। हाँ अभी इधर देखो भाई भाई इधर। थैंक यू साथ में कर लेते क्या भाई। हाँ चलो आराम से भाई सामने तो चलते आइए ना। हाँ दुर्गेश यार गाइस प्लीज प्लीज आप लोग टनल के बाहर रुकिए। मैं सबको बाइट्स दूंगी आप प्लीज टनल के बाहर चले बाहर आ जाओ। स्टार्ट भी नहीं हुआ है प्लीज बाहर आ जाओ चलिए अभी नहीं चलिए आउट प्लीज एवरीबॉडी टनल के बाहर आराम से करते हैं ना बहुत स्पेस है। चलिए कम 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 केयरफुल केयरफुल डोंट फॉल देयर लाइट्स बिहाइंड केयरफुल केयरफुल केयरफुल। मैडम जी थोड़ा सा पीछे जाओ ना एक मिनट साथ में एक सेकंड थोड़ा पीछे रहना थोड़ा पीछे और ये जोड़ी हिट है। पीछे ले मेरा भाई इससे तो मोड़े भाई कॉपीराइट आएंगे एकदम सामने देखो अभी दोनों एक मनो बहुत क्यों भाई सेंटर लुक चीज भी बहुत एकदम सामने यहाँ पे मैडम जी सर जी आइए अभी बाइट्स कर लेते गाना बंद चलो चलो बाइट्स कर लेते इधर ही रुको हम चल के आते हैं। बराबर सही है धक्का मत दे इधर ही पक्का एक बार आगे मत जाओ दादा मैं बता रही हूँ रुको ना साइड साइड वेट 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 और पीछे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाना हो गया आ जाओ। क्या बात है भाई जोड़ी पुरानी याद आ गई पुरानी यादें आ गई। बस हो जाए चलो चलो बाइक चलो बाइक कर लेते हैं। थैंक यू चलो चलो एक बीच खाली ले रहा मैं। अरे अरे बीच में लोन दो ना भाई एक तले जनता हो जाए। एक मिनट ये डिस्को लाइट है। या तो धीमा कर दे या तो बंद कर दे। आइए आइए कम आइए आइए मैम मैडम मैडम आइए 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 आना यार पर बोलो हुआ है आप लोगों ने खाया वो बूंदी वाला? जी 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 बहुत बहुत प्यारा लगा। एंड कुल्फी लास्ट में अभी खाया। कुल्फी कुल्फी आराम से गाइस पीछे कार है आराम से। मुझे ना बड़ा डर लगता है जब आप लोग ऐसे पीछे चलते हो कि कहीं पीछे से धप कर। नहीं आदत है आदत है। आई एम श्योर आदत है पर हमें ऐसे देखने में बहुत डर लगता है। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था मैम आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। आखिरी फंक्शन था भी अच्छे से हो गया बस। और थैंक यू आप सबको वंस अगेन फिर और अच्छा बनाने के लिए। कम बाय 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 मैम बाय टेक केयर मैम बाय बाय। दीपिका जी साथ में आपके ब्लॉग देखते रहते हैं भाई, हम आपके ब्लॉग देखते रहते हैं। शुक्रिया भाई, अच्छे रहते हैं। अच्छे रहते हैं यस, बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, सुपर डुपर ही। चलो टर्न मारो, आ जाओ भाई। अरे मम्मी 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 के साथ में अभी फैमिली फुल फैमिली। दीपिका जी है क्या? अभी कुछ नहीं करा, अभी चलो अभी चलते। अम्मी 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 खुश है बहुत ना? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से शादी किया पूरी तरह से। गाड़ी 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 देखो, गाड़ी पीछे गाड़ी। शॉपिंग वाला ब्लॉग अच्छा था, वो नया जी ने डाला, दीपिका जी ने डाला। मंगलगढ़ मार्केट आप गए साड़ी लेने। आंटी जी कुछ बोल दीजिए। आंटी जी इधर इधर रहता है। आंटी जी शोएब सर के बारे में कुछ बोल दीजिए आप। आंटी जी शोएब सर के बारे में कुछ बोल दीजिए। आपका बेटा बहुत हार्ड वर्क करता है, वो भी बहुत अच्छी है आपकी। उनकी जितनी तारीफ करो कम है, बहुत अच्छी है। और दीपिका जी के बारे में वो तो इससे भी ज़्यादा 10 गुना अच्छी है। दीपिका जी साथ में करते ना, आइए प्लीज मम्मी के साथ, मम्मी के साथ, मम्मी की बुलाइए ना। शोएब भाई मम्मी के साथ, मम्मी काफी तारीफ कर रही है आपकी। शोएब भाई मेरी मम्मी खुद इतनी प्यारी है। शोएब भाई एक लाखों में करोड़ों में एक ही अनमोल है, सेम टू सेम, इनका कोई मोल नहीं है। इन्होंने शादी बहुत अच्छी तरह से कराई, बहुत अच्छे शादी। और हमेशा जब से हमें मिली हमारी जिंदगी में फरिश्ता है। सबका ध्यान रखें अच्छे से, सबका ध्यान रखें। पीछे पीछे रोहित, अरे पीछे हो ये रोहित, पीछे लेना। इब्राहिम फैमिली, इब्राहिम फैमिली फैमिली आइए चलो मम्मी का बेटा अरे है ना हो गया संतोष संतोष राइट लेके लेफ्ट में लेके वो अमित की गाड़ी रेडी है चाबी है ना घर की आपके पास वो लेके आ रहे हैं तब तक आप शाम को होगा ठीक है हाँ हाँ आराम से लेके जाओ सर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे कब से वेट कर रहे हैं मिल गए चलो आप थैंक यू खाना खा लो अब कुछ खाए नहीं खा लो हार्ड वर्क कर लिया आपने थैंक यू आप लोगों ने खाया ना पक्का यस यस भाई खाया हम लोग ने अब तो कैमरा बंद कर दो आपको वहाँ तक छोड़ देंगे हम चले जाएंगे ठीक है आप लोग मिलते नहीं ना जल्दी पता नहीं कब मौका आएगा आज स्टोरी पे नहीं डालते थे पहले तो आप स्टोरी भी डालते थे कहीं निकलते नहीं नहीं मत डालो बाद में पहुँच जाएंगे सब लोग उसी चक्कर में बंद किया मैंने मुझे आपके अड्डे पता है इन ऑर्बिट मॉल जाते हैं सब जगह पता चल जाता है कैसा लगा आपको फंक्शन अच्छा लगा बहुत बढ़िया चलो बस अब ऐसे ही हफ्ते में एक बार तो मिलते रहो सर 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं संडे को निकाल सकते हैं अभी हम रोज मिलेंगे ना फिर तुम भी बोलोगे अरे आए तो रोज आते रहते हैं है कि नहीं अभी कम मिलते बंदे मिलते नहीं है हां केयरफुल पीछे संभाल चलो बस उधर खाना खा लीजिए सर आप हाँ मैं भी खाना खा लेता हूँ बाय मैम बाय सर बाय थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत ही कैसा रहा दिन आज का दिन कैसा रहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाली सर एक मिनट लास्ट फोटो ले लूँ जब घर चले जाएँ थैंक यू आप लोगों ने खाना खाया है थैंक यू सो मच फिर मिलते रहेंगे थैंक यू किस तरह की एक्साइटमेंट है आज के सेशन के लिए हाँ सबसे पहले थैंक यू आप सबको आने के लिए थैंक यू सो मच हाँ आज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ये इकलौता फंक्शन है जो हम मुंबई में कर रहे हैं इकलौता एक कह सकते एक दावत है जो हम अपने मुंबई में जो जानकार लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से शादी पूरी हुई है एंड उसके बाद यही एक लास्ट ओकेजन बचता है रिसेप्शन का तो उसमें भी एक्साइटमेंट था नर्वस अभी भी है बहुत ज़्यादा तो खुशी भी इस बात की कि सब वापस आ गई है एंड यस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं और शादी को भी आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उठाया है उसके आर्टिकल्स बनाए क्लिप्स बनाए उसके दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बस बाइट्स करने के बाद आराम से रुकिएगा और खाना खा के जाइएगा यही वो जगह है जहाँ पे आप लोगों का भी रिसेप्शन हुआ था हमने अटेंड किया था वो धूमधाम से आप लोगों की एंट्री आज भी याद है हमें सबा और जो लोग खालिद की एंट्री किस तरीके से होने वाली बस अभी कुछ देर एक बार दुल्हन साहिबा जो है वो रेडी हो जाए फिर आप देखिएगा उसकी एंट्री कैसे होगी इंशाल्लाह उसकी भी धूमधाम से ही होगी हाँ थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर विटनेस कीजिए कुछ चीज़ों को देखना एक्सपीरियंस करना ज़्यादा मजा आता है बहुत ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा तो शायद अम्मी को बहुत ज़्यादा खल रही है क्योंकि अम्मी के साथ दिन भर वो रहा करती थी और अभी जब मैं शूट के बाद घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अम्मी के पास जाता हूँ तो वहाँ पे वो जाते साथ सबा पानी देना सबा चाय बना देना ये तो वो चीज़ नहीं है बट यस हाँ कमी तो खलेगी बट एक चीज़ की खुशी है कि वो खुश है और जो वो चाहती थी वो हो गया तो अल्लाह का शुक्र है आपसे जानना चाहिए जो आपके स्टेटस हमने देखे आपके ब्लॉग्स हमने देखे आप काफ़ी ज़्यादा मिस करें तो कुछ ऐसी आप लोग शेयर करें बहुत कोई एक मेमोरी नहीं है बहुत सारी है जैसे मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई सबा हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी यू नो जब वो आई भोपाल से यहाँ पे जब अम्मी और ये सब आए तो वो बहुत ज़्यादा नाइफ थी यू नो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी अडेप्ट भी की तो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ वेरी So for me, it was that journey. It was मैं उस दिन शोएब को भी बोली थी कि it's almost like getting your daughter married. You know the emotion is half of that. Obviously, एक माँ के दिल के emotions क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की, बट यार शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी डियर टू मी एंड शी विल ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर टू मी। कभी नहीं, आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए। हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननद परेशान करने वाली ही होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली ही होती है। इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के मन में। नहीं, सबा मौदा में नहीं है फिलहाल, अभी सबा रेडी हो रही है। फिलहाल यहाँ है, रेडी हो रही है तो टोटली उस पर डिपेंड है और खालिद पर डिपेंड है क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की हैं। अब वो वहाँ होती है यहाँ होती है वो उन पर डिपेंड करता है। दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं। यहाँ भी सबा ने घर वगैरह सब ले रखा है, वहाँ पर उसका घर है ही, तो जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे। दोनों जहाँ पे सहमत होंगे हाँ ये बेटर है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि एज अ कपल जब कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो ये सारी जो डिसीजंस हैं ये उन दोनों के ही होने चाहिए। सो इट्स देम टू डिसाइड। थैंक यू, थैंक यू। देखो मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी कि भाई देखो शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है और एक घर के लिए एक नई लड़की, नो तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। दोनों को आपस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए तो सनी को मैंने वो सलाह दी थी और सबा को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसे हो वैसे ही रहो। हाँ नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ जो भी मैंने उसको बोला वो एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक, तो मैं उसको वही बोल रहा था। सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है। तो मैं उसको वही बोल रहा था, खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, तुम उसे छुपाओगी नहीं। तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊँगी तो किससे बताऊँगी। तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझा रहा था। सच बोलूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं शादी में नहीं कर पाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ने हर जो चीज़ सोची थी सबा को लेके, उसकी शादी को लेके, छोटी से छोटी प्रिपरेशन से लेके बड़े से बड़े मोमेंट तक हर वो चीज़ जैसे हमने सोची थी वैसी एग्जीक्यूट हुई है। यस, एक दिन मैंने मिस किया, ये दो लोग 2 दिन पहले पहुँच गए थे क्योंकि इनका मैं जा नहीं पा सकता था शूट की वजह से, किसी एक का जाना ज़रूरी था तो ये जल्दी गई थी, बट कोई नहीं मैंने बाद में पूरी भरपाई कर दी थी पहुँच के। आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा बिकॉज हम दोनों ने और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते। मैंने, शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी, यू नो, तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे। चाहे वो मैं माई बॉयज़ हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज़ मोर देन फैमिली टू अस, वो सब हर कोई एक पैर पे रहा है हम ये पूरी शादी इतनी सक्सेसफुल करने के लिए। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि हमने जो छोटी छोटी चीज़ें भी सोची थी ना तो वो चीज़ हो पाई, इस बात की सेटिस्फैक्शन है। अब वो सफल हुई है, ये आप लोगों ने मुझे बिलीव करवाया है। हम लोगों को बिलीव करवाया है। थैंक यू। नहीं, पर जो भी हो लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट पे बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था, बट हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या होगा, टेस्टिंग से लेके थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, कितने होगा, हर एक चीज़ से लेके पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरी सुपर वुमेन जो मैं हमेशा बोलता हूँ। विश तो यार बस यही है, एक भाई हमेशा यही चाहेगा कि बस दोनों हमेशा खुश रहें और कैसा भी वक्त हो चाहे ज़िंदगी में, अच्छा हो बुरा हो उतार चढ़ाव सब हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़ें और हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को समझें, बस यही ज़िंदगी है यार, बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट है। एक और बात, आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों काफ़ी हैंडसम और आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हो। थैंक यू। पर सबसे ज़्यादा वक्त किसने लगाया आज तैयार होने में? देखो क्या होता ना कि मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ सारी चीज़ें करके, ठीक है, तो दिखने वाले मुझे दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ, बट मैं 45 मिनट्स में रेडी हो गया। नहीं शोएब नहीं, पोली वोनी बनवाने में तो टाइम लग जाता है। आज ये जल्दी तैयार हुए हैं, आज मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज में बोला अरे वाह, बट हाँ ठीक है ना, हमारे जनाब माशाल्लाह इतने हैंडसम लगते हैं तो टाइम तो बनता है। सबको पता है कि मेरा ज़्यादा वक्त जाता है बाल बनाने में, है ना, तो उसमें वक्त लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी विदाई की अगर मैं बात करूं तो तब कितना डिफिकल्ट था सबा को विदा करने में, तब डिफिकल्टी कितनी? और आपसे जब दीपिका घर आ रही थी, आपके यू नो आपके घर आ रही थी, तब आप कितना मूवमेंट इन्जॉय कर रहे थे और जब सबा जा रही थी तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा था? For me, सबा को विदा करना was very difficult, very difficult, very difficult. हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे, बट सबा को अपने घर से दूर करना, एक दूसरे शहर में भेजना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ इमोशनल था कि एक कभी तो ऐसा भी लग रहा था एक पल के लिए कि यार रोक लूँ मैं इसको, किसान इससे बोलूँगी चलो तुम चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। मतलब मैंने अभी तक उस दिन के बाद मैंने किसी का निकाह का व्लॉग नहीं देखा, बिकॉज आई जस्ट कांट सी दैट। मैंने भी अपना व्लॉग डाला तो, लेकिन वेरी गुड कम प्लीज गेट योरसेल्फ कम, मैंने भी व्लॉग डाला वो, लेकिन एक बार जब मैंने देखा अपलोड करने से पहले दोबारा मैंने भी उसको नहीं देखा है, और इनफैक्ट मैं अंकित दीपिका लोग से भी बोल रहा था कि मत दिखाना घर वालों को, क्योंकि जब वो देख रहे हैं ना तो तब वो उतने पापा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेकर, तो उनको तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं हम। बट आई एम श्योर हर घर में यही हाल होता होगा। हाँ इतना सबसे पहले तो हमेशा कितना नर्वस फील हो रहा है, आप लोग इतने सारे हो, लेकिन आप सब लोग आए उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और रिसेप्शन जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम इतना ज़्यादा खुल के नहीं इंजॉय कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग अभी मिलने आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद अभी हम घूमेंगे, लेकिन जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। भाई भाभी ने हो रहा है बहुत सारा सपोर्ट किया, हाँ आज सबके सामने आया हूँ, हाँ थैंक यू। बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला है। कितने अच्छे से बिल्कुल सीख गया तो पहले अलग था, लेकिन अभी मुझे सब लगता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शाय था और लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो वो सोचता है कि सबा को मैं इतना सब ऐसा ना फील हो के मुझे आता नहीं है कुछ, तो वो 200% देता है। सबा जी आपको सेंटर देखना है, सेंटर स्वागत नहीं किया था क्यों नहीं किया था? नहीं ऐसे ही बस मेरा दिमाग कैसे हो गया तो मैंने कहा नहीं है किसी के स्वागत। थोड़ा सा फनी है तो वैसे ह्यूमर उसका बीच बीच में चलता रहता है। फैमिली को देखिए बहुत ज़्यादा हमेशा मिस करते हैं, हमेशा इतना ज़्यादा क्लोज होना सबसे, अम्मी पापा रजा रियान भाई भाभी सबसे, तो फैमिली को तो मिस करते ही है, लेकिन ससुराल में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन मिल रहा है। इतना मैंने नहीं सोचा था, सबको पता है कि कैसे कैसा सिचुएशन, अपनी स्टोरी मैंने सबको बताई थी, लेकिन सच में इतना ज़्यादा सपोर्टिव अगर पार्टनर हो फिर उसके अम्मी पापा सारे लोग तो बहुत ऐसा बहुत खुशी रहती है। थैंक यू। खुश रहती है। हाँ उन्होंने और उसके लिए जितनी भी वर्ड्स में नहीं आप कह सकते, उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि जैसे मैंने बोला भी था भाभी को कि कोई अपने बच्चे को जिस तरह करता है उस तरह भाभी ने हर एक छोटी छोटी चीज़ें की है कि सबको ये पसंद है, ऐसा पसंद है। और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के एक एक इंसान के लिए सोचना कि किसको क्या, मतलब मैं बार बार ही कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, इंसान खुद रेडी होकर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी भी नहीं लगवाई, खुद रेडी भी नहीं हो पाई हैं, अपने कपड़े भी प्रॉपर नहीं बना पाई हैं। उन्होंने हर एक अपना पूरा 2 महीने हम लोगों के लिए लगा दिए, दिन रात। तो भाभी जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता है, तो उसका वर्ड्स में थैंक यू भी नहीं कहा जा सकता है। वो एक अलग है, वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता। अम्मी तो मेरी दोस्त की तरह है, तो उनका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग ये जानता है कि कैसे एक एक चीज़ सुबह की चाय से लेकर रात में सोने भी नहीं मैंने जाने देती, मेरा बस चले तो मेरे पास ही रहो। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती है, लेकिन वो मुझे खुश देख के खुश भी है। वो भी डिसाइड करेंगे वो अभी हम ऐसे चलते जा रहे हैं फ्लो के साथ। लोग आपको पता है भाभी हर चीज़ डिसाइड करती है, लेकिन हम लोगों से पूछ के डिसाइड करके, तो भाभी ने ये हमारा ये मेरा डिज़ाइन किया, ये तो उनका मान्यवर से लिया है, लेकिन भाई भाभी की पसंद का है। और लोग आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हाँ भाई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बताते हो कि दिन भर में 3-3 बार वीडियो कॉल करते हैं। भाई का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा था किसी के लिए भी, तो हमेशा मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, तो जबकि इनसे भाई सर पे भी जाते हैं, वो उनकी वीडियो कॉल की आदत ही नहीं है किसी को, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन पर उनके मिस कॉल पड़े होते हैं। इतने बिजी होने के बाद भी, सेट पर रहने के बाद भी पूछते हैं ठीक हो ठीक हो। अगर ये मुझे घुमाने लेके जा रहा तो इतना खुश होते हैं कि चलो अच्छा तुम घूम रही हो। तो भाई मतलब भाई ने बस ये कहा कि अच्छे से ख्याल रखो, उसको प्यार करो। और थैंक यू। तो ऑफ कोर्स शादी का माहौल है, बहुत अच्छा लगता है कि जब दो लोग अपनी मर्जी से फैमिली के रजामंदी के साथ सबका प्यार पाते हुए एक साथ आते हैं, उनकी शादी होती है। और इंडिया में तो ऑफ कोर्स शादियों को बहुत बड़ा माना जाता है। इट्स लाइक 2 फैमिलीज कमिंग टुगेदर। So I wish them all the very best and मुझे ख़ास तौर पे बचपन से ही शादियों में जाने का बड़ा शौक़ है। So I like it that people are all happy in a wedding and we're just here to give our wishes. Thank you. हम भी नए बंदे हैं, हमें अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी होने वाले हैं 2 साल। लेकिन आई थिंक सबकी अपनी एक जर्नी होती है, कोई एडवाइस ऐसा नहीं है जो मैं सोचती हूँ कि इज़ यूनिवर्सल, एक्सेप्ट वन कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड मोर देन हस्बैंड वाइफ यू शुड बी फ्रेंड्स। रिसेप्शन एक्चुअली लॉकडाउन के बस हम बाहर ही निकले थे, तो इट वॉज अ मच मोर इंटीमेट अफेयर। तो उसका एक अलग मज़ा था, इसका एक अलग मज़ा है। तो यादें तो ऑफकोर्स हर शादी में ताज़ा हो जाती हैं, तो आज मेरी यादों की बात नहीं करते, आज उनकी यादें हैं, तो लेट देम मेक द मेमोरीज। She is a lovely person and Shoaib and Deepika both make a great couple. तो बहुत प्यार से उन्होंने इनवाइट किया है, तो we had to come. Thank you. सबा और खालिद को हम दोनों का बहुत बेस्ट विशेस, और ये चाहेंगे जितनी अच्छी शादी हुई है बस उतनी ही अच्छी तरह से ये ज़िंदगी निकालें और बहुत अच्छी इनकी लाइफ चले। मेरे पास ज़रा वर्ड्स शॉर्ट कट पड़ जाते हैं, आई थिंक अविनाश ज़्यादा बेहतर बता पाएगा आपको। नहीं, हम जब भी किसी न्यूली वेड कपल के बारे में सुनते हैं या जानते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम खुद दोनों हर रोज़ न्यूली वेड कपल जैसा फील करते हैं। तो ये फीलिंग हम चाहते हैं हमेशा खालिद और सबा की लाइफ में बनी रहे, और उनको जो ये शादी का जो खुशनुमा अवसर है इसको सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। बहुत बढ़िया से शादी हुई है, सारे फंक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, हमने उनके सारे वीडियोस देखे हैं और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप परवान चढ़ता रहे और अच्छा बनता रहे। अपने एक्सपीरियंस से क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, हर कपल का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हम एडवाइस करने वाले कौन होते हैं, बस हम लोग ये सोचते हैं कि कपल की ज़िंदगी मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि एक दोस्त की तरह हो। और जब आप दोस्त बन जाते हो ना तो एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और आप एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हो। तो वो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कपल का अच्छा दोस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोर देन हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओ, ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। आप काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, कितना टाइम लगा है? नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। खैर, ये तो ऐसे ही बोल रहे हो चलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगा है, हाँ, साड़ी पहनने में टाइम लगता है थोड़ा, टाइम लगता है बहुत, 3.5 घंटे। नहीं, झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुखी रहे, अच्छा रहे, और बहुत प्यारी बच्ची है। शी शुड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग एवर। यही कहना चाहेंगे कि सबा बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है और आज उसके रिसेप्शन में आए हैं, उसकी शादी हो चुकी है, ये विश्वास ही नहीं होगा कि लड़कियाँ बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस इन हर लाइफ। बस यही कहना चाहेंगे कि बच्चियों को हम सिर्फ हैप्पीनेस ही विश कर सकते हैं। आप लोगों के एक्सपीरियंस से क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे न्यूली मैरिड कपल? बहुत बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ शायद नहीं बदली, वो यही है कि अपने ससुराल वालों की रेस्पेक्ट करें और उनकी रेस्पेक्ट को अर्न करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एट द एंड ऑफ द डे प्यार और रेस्पेक्ट, यही चीज़ मायने रखती है। ससुराल सिमर का सीज़न 1 7 साल चला, 2068 एपिसोड्स उसके हुए और आज मेरे लिए हमारे लिए एक डबल सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज ससुराल सिमर का सीज़न 2 के 500 एपिसोड भी हुए थे। सो इट्स हैप्पी डे मम्मी, थैंक यू। अंदर जाके कितनी कुछ मस्ती करने वाले हो भी बता दीजिए। हाँ, मैं बहुत मस्ती करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सिमर और दीपिका और शोएब से मिलेंगे और सबा से मिलेंगे, उनके हस्बैंड से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे और बाकी जो हमारे जो दोस्त जो मिल नहीं पाते शूटिंग की, जैसे उन सब से मिलेंगे, जैसे आज मैं इनसे मेरी बहन से और क्या बोलते हैं। और मुझे बड़ी भूख लगी है क्योंकि मैंने आज यहाँ खाने के चक्कर में सुबह से फ्रूट्स खा के रखा हुआ था। आई विल गो एंड ईट शादी का खाना। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस दिन का, और सबा और दीपिका इज़ लाइक फैमिली टू मी, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली फंक्शन है और बहुत बहुत खुश हूँ। दीपिका और हम ससुराल सिमर का साथ में कर रहे थे एंड तब से वो मेरी फैमिली की तरह है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ आज तक जिसमें मैं शामिल नहीं हुई हूँ एंड बहुत एक्साइटमेंट है। बस जाके देखना है कैसे लग रहे हैं सब और क्या चल रहा है अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन सबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इब्राहिम फैमिली। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और मैंने तो एक्चुअली शोएब ने मुझे वीडियो भी दिखाई थी जिसमें उनके मॉम डैड बहुत रो रहे थे, शोएब बहुत रो रहे थे, तो मैं बस यही कहूँगी कि अभी यू नो फैमिली को बहुत हिम्मत चाहिए, तो आई होप शोएब उन लोग का वो हिम्मत बनाए रखें और सबा की एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है तो बस प्यार भरी निकाले वो ज़िंदगी। जैसे शोएब हमेशा कहते हैं खुश रहिए प्यार बांटिए, तो वो बस खुश रहेगी, प्यार बांटेगी तो सब आगे इजीली हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और वो खुद भी कह रहे थे कि मतलब मैं इतना लेट जा रहा हूँ और दीपिका अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है, पूरी फैमिली है, फिर वहाँ जाके भी आधा टाइम तो आई थिंक काम में ही निकला होगा, बट बहुत अच्छे से उन्होंने सब मैनेज किया और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि है ना बहुत अच्छे से मैनेज किया, शूट भी और शादी भी और अब रिसेप्शन भी, तो हैट्स ऑफ।